हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रुबिका लियाकत। इन केस आपने होली मनाकर अच्छे तरीके से नात होकर आप टीवी के सामने बैठ चुके हैं तो बता दें, आज सुबह से खबर एक ही चल रही है, मामा महाराज की महाहोली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से मुलाकात के बाद। अब तो खबर यह है कि सीईसी की बैठक से ठीक पहले हो सकता है कि वो बीजेपी की सदस्यता भी ले ले। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। उधर वहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की और विधायकों की एक बैठक है, वो भी चल रही है, और बीजेपी के विधायकों की भी बैठक वहां पर चल रही है, और हो सकता है वहां विधायक दल का नेता जो है वो भी चुन लिया जाए, शिवराज सिंह चौहान को। तो ये तीन अलग अलग बैठक है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि सीईसी में राज्यसभा में कौन जा सकता है, उन नामों पर भी चर्चा होने वाली है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, वो 55 सीटें हैं राज्यसभा के लिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हो जाता है। लेकिन बहरहाल अभी तीन अलग अलग बैठक चल रही है, दो तो चल रही है मध्य प्रदेश में ही और एक यहां दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं पार्टी दफ्तर। अमित शाह पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे, थावर चंद गहलोत वहां पर पहुंच चुके हैं, और अब खबर यह है कि कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो सकती है। लेकिन जानकारी तो ये भी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मेंबरशिप ले सकते हैं बीजेपी की, लेकिन इस तरीके के आसार दिखाई दे नहीं रहे हैं। ये हो सकता है हाँ, कि इस बैठक के बाद नहीं, क्योंकि अगर पहले आते तो तुरंत उनको शामिल कराया जाता और उनको विदा कर दिया। हाँ, लेकिन राकेश जी आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने की कोशिश नहीं होगी। कल होगा हाँ, और कल जो इनकी ज्वाइनिंग होगी भारतीय जनता पार्टी में, उसमें जेपी नड्डा रहेंगे, ना कि मोदी जी और अमित शाह जी। इस बात से वो परहेज रखा जाएगा हाँ। इस बात से परहेज रखा जाएगा कि भाजपा में जब उनकी ज्वाइनिंग होगी हाँ, उसमें जेपी नड्डा रहेंगे, विनय सहस्त्रबुद्धे रहेंगे, इनकी मौजूदगी में बीजेपी पार्टी दफ्तर के बाहर ही मौजूद है। इसका मतलब है कि राज्यसभा का अभी जो ज्योतिरादित्य का बोला जा रहा है वो भी डाउटफुल है। नहीं, वो डाउटफुल इसलिए नहीं है कि क्योंकि जिस तरीके से यहाँ इस्तीफा हो रहे हैं उसमें सीटों की संख्या देखिए तो भारतीय जनता पार्टी अप है, और भारतीय जनता पार्टी को वहां अब दो सीटें मिल सकती हैं, एक सीट कांग्रेस की ही होगी और वो कांग्रेस की सीट से ही सिंधिया को लाएंगे। अच्छा, प्रशांत वहां पार्टी दफ्तर के बाहर ही मौजूद है। एक सेकंड, वो प्रशांत वहां पर मौजूद है, जरा उनसे पूछ लेते। प्रशांत, क्या मेंबरशिप ले रहे हैं, पार्टी की सदस्यता ज्योतिरादित्य सिंधिया ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? देखिए रुबिका, अभी तक जो कयास लग रहे थे कि 6 बजे यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ नहीं पहुंचे हैं, और अभी जानकारी मिली है कि वो अपने घर चले गए हैं। तो जो दो तीन चीजें यहाँ पर जो कयास लग रहे हैं वैसे रुबिका, की हो सकता है कि आज जो सीईसी की बैठक हो उसमें नामों पर तो विचार हो, फैसला भी हो जाए, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हो आज, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब तक कोई नया सदस्य आता है रुबिका, तो उसके नाम का अनाउंसमेंट तभी होगा जब वो पार्टी में शामिल हो जाए। जब तक हाँ, वो पार्टी में शामिल नहीं होगा उसके नाम का ऐलान नहीं हो सकता। तो उम्मीद ये कि अब ये ऐसे भी कयास लग रहे हैं कि सीईसी की बैठक तो होगी केंद्रीय चुनाव समिति की, उम्मीदवारों के नाम पर फैसला भी हो जाए, लेकिन सार्वजनिक जो नाम किए जाएंगे वो कल शायद किए जाए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया विधिवत तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि 13 तारीख तक राज्यसभा का जो नॉमिनेशन है उसकी अंतिम तारीख 13 मार्च है, लिहाजा 2-3 दिन अभी और समय बचा है सभी हाँ, उम्मीदवारों के सामने, और इसलिए हो सकता है कल ज्वाइनिंग हो और उसके बाद नामों का ऐलान हो, क्योंकि ऐसा नहीं, सिंधिया ज्वाइन करने के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्वाइन करने के बाद फिर एक बार सीईसी की मीटिंग होगी? पार्टी का मेंबर ही नहीं है वो, उस मीटिंग में आप उसका नाम कैसा तय कर सकते हो? वो भी तो हो सकता है। अशोक जी, इसी भारतीय जनता पार्टी में हिना गावित जी कांग्रेस से आई थी भारतीय जनता पार्टी में, और उनकी ज्वाइनिंग के पहले उनका नाम तय हो गया था, तो अध्यक्ष को ये अधिकार सौंप दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, ये सीईसी की बैठक के बाद अध्यक्ष तय करेगा। हो सकता है उस पर चर्चा ना करें। नहीं नहीं, नाम हो जाएगा। देखिए, जरूरी नहीं कि आप पार्टी के मेंबर हो तभी आपको राज्यसभा। हाँ, ये बात अगर वो पार्टी के सिंबल पर राज्यसभा चुनाव लड़ते हैं तो उससे पहले सदस्यता लेनी पड़ेगी, जो वो आज ले, कल ले, परसों ले, जब भी ले, चुनाव नॉमिनेशन से पहले वो भाजपा की सदस्यता लेंगे। आज का महत्व ये है
कि आज माधव राव सिंधिया का जन्मदिन है, तो उनके लिए एक व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण तारीख है, तो इसलिए चर्चा इसकी ज्यादा थी कि आज ही वो सदस्यता ले सकते, आज के दिन का वो उपयोग कर सकते हैं। हाँ। आज के दिन को एक मेमोरी, एक और मेमोरी बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए आज वो सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको सुनना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैप्पी होली, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अभी आदेश वहीं पर मौजूद थे, अगर कोशिश हो तो हम आदेश से भी बात कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद थे और वो ये बता रहे थे कि ऐसे कोई हालात अभी दिख नहीं रहे, सारी जो गाड़ियां हैं भाई तैयार रहती है ना, जब नेता को जाना होता है कहीं पर, तो वो सारी गाड़ियां घर के अंदर जा चुकी हैं, पार्क कर दी गई है, और अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कभी कहीं और जाने की सोच सकते हैं। पार्टी दफ्तर जाने के आसार वहां पर नहीं लग रहे हैं, बीजेपी पार्टी दफ्तर की मैं बात कर रही हूं, और इसीलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि आज ही वो सदस्यता ले सकते हैं। हमारे साथ चार खास मेहमान जो है वरिष्ठ पत्रकार बने हुए, लगातार इन सारी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को अच्छी तरीके से समझ परख कर आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बीच जानकारी ये है कि कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। भोपाल में बीजेपी नेता स्पीकर से वो मिले, और आपको ये बता दें कि बीजेपी के जो विधायक दल के नेता हैं नरोत्तम मिश्रा, माफ कीजिएगा, पूर्व मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा, उनसे बातचीत की है, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम जी, आज आप लोग विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे, क्या कुछ रहा? हमने आग्रह किया था कि जो इस्तीफे दिए हैं आपको, उनको वो स्वीकार करें विधायकों के, और उन्होंने आप सबसे भी कहा है कि मैं वैधानिक पहलुओं पर विचार करके जवाब देता हूं, हम प्रतीक्षा करेंगे। कितने विधायकों के इस्तीफे आप अभी एक साथ एक बंच में तो 19 है, पर और आ गए हैं 3-4 उनके पास में, माना जाए करीब 25 विधायकों के इस्तीफे, मेरे ख्याल से 22-23 के आए हैं, 22-23 के आए हैं। कुछ और विधायकों की जुड़ने की बात चल रही है, इस्तीफा देने की बात चल रही है? अभी तो इफ्तिदाई इसके होता है, क्या आगे आगे देखिए होता है। क्या लगता है कि आज जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें विधानमंडल विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा? नहीं, कदापि नहीं, इसके लिए बैठक नहीं है, ये वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करने के लिए और भविष्य की संभावनाओं। कब अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? हम क्यों लाएंगे भाई कोई अविश्वास प्रस्ताव, जो सरकार हमें मालूम है अपने बोझ से गिरने वाली है, जिसका मरना तय है, हम 302 क्यों लगवाएंगे? आप चाहेंगे कि वो इस्तीफा दे? कौन वो दे? कमलनाथ, ये उनका लुकआउट है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत वो अपने आप काम करेंगे। मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तो पार्टी तय करती है, मैं और आप कैसे तय कर देंगे? पार्टी से ऊपर कोई भी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, यही विशेषता है इसकी। धन्यवाद नरोत्तम जी हमसे बात करने के लिए। ये थे नरोत्तम मिश्रा जी, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, कौन नहीं होगा। रही बात आज की जो बैठक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भविष्य की योजनाएं तय करने के लिए यह बैठक होगी। कैमरामैन राजेश के साथ धीरज पांडे, एबीपी न्यूज दिल्ली। नरोत्तम मिश्रा आप सुन रहे थे, क्या इस वक्त कह रहे थे वो, उन्होंने कहा कि भाई ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, ये बीजेपी है। क्या विधायक दल का नेता चुना जा सकता है शिवराज सिंह चौहान को? उन्होंने कहा कतई नहीं, इसके लिए पार्टी की बैठक, विधायक दल की बैठक हो ही नहीं रही है, हम तो आगे क्या हो सकता है उस पर डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे? नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? यानी जो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो कहा नहीं जा रहा है। विधायक दल की बैठक नेता चुनने के लिए तब होगी जब बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, और उसमें ऑब्जर्वर तय होंगे, उनकी देखरेख में बैठक होगी विधायक दल की, उसमें नेता चुना जाएगा। जब तक ये सरकार जाती नहीं है, इस्तीफा नहीं होता है या सदन में नहीं गिरती है, तब तक ये बैठक नहीं होगी। जब एक बार सरकार गिर जाएगी तो सरकार बनाने का दावा करने से पहले विधायक दल की बैठक होगी। सरकार बनाने का दावा तो होगा, अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप नरोत्तम मिश्रा की बॉडी लैंग्वेज देखिए, अभी बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मीटिंग हुई है, उसके अंदर कुछ चीजें तय हुई होंगी, लेन देन कुछ तय किया होगा। राजनीति गिव एंड टेक पे चलती है, सीधी बात यह है, व्यावहारिक स्थिति यही है। अब वो क्या है उसके कयास आप लगा सकते हैं, उन्हें राज्यसभा मिलेगी,
उन्हें केंद्र में क्या मिलेगा, उनके लोगों को मध्य प्रदेश में जो नई सरकार बनेगी उसमें क्या मिलेगा, जो विधायक जिनकी विधायकी जाएगी उनकी विधायकी वापस कैसे आएगी, उसके बदले विधायकी नहीं आएगी तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा। तो ये सब एक बहुत बड़ा सौदेबाजी का, बार्गेनिंग का एक बहुत बड़ा पैकेज है। ये पैकेज अभी बना होगा, इस पैकेज को कितना अमल में लाया जा पाएगा व्यावहारिक परिस्थितियों में कि नहीं, इसमें क्या दावबाज हो, ये पैकेज भी तब लागू होगा जब कमलनाथ की सरकार चली जाएगी। टेक्निकली इसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं इसके अंदर। लेकिन उसके बावजूद तो ये कहना कि हम अविश्वास प्रस्ताव हम तो ला ही नहीं रहे हैं, इसके क्या माने है? नहीं, इसका माने ये है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 20-22 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब गवर्नर अविश्वास के दायरे में तो खुद ही पहुंच गई है सरकार, तो ऐसी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को ये जोखिम उठाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है कि हमारे ऊपर किसी भी तरह की ऐसी मतलब खराब फूल वाली माला ना आने। गवर्नर ही बताएगी कर्नाटक में सब कुछ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां जाके सरकार बनाती है, मध्य प्रदेश में भी सब कुछ होने के बाद यानी कांग्रेस मिट जाए उसके बाद हम जाएंगे सरकार बनाने का। जब आपको पता है कि एक छोटी सी कहावत है बिल्ली के भाग से छींका टूटा, तो भारतीय जनता पार्टी के भाग से जब कांग्रेस में टूटन हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जाएगी वहां लठ लेके बाद में, वो अपने आप ही सरकार बनाने का अवसर उनको मिल रहा है। का मुकदमा क्यों जब सामने वाले की मृत्यु, उनको अपने आप अवसर मिल रहा है। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, नरोत्तम जी ने जो कहा वो बहुत गौर करने वाली बात है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे चेहरे मुख्यमंत्री के लिए इस पर भी होना चाहिए डिस्कशन के मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको तीन बातें बताता हूँ, बहुत जरूरी है इस पर चर्चा। मैं आपको तीन बातें बताता हूँ, लगातार ये बातें आ रही है कि शिवराज। अच्छा, इस बीच ये बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले तो यही खबर आ रही थी कि पीएम और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सदस्यता ले सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर सदस्यता लेने के लिए अभी पहुंचे नहीं हैं और ऐसा लगता भी नहीं है। हाँ, जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो हो सकता है कि कल सदस्यता ग्रहण कर ले। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर पहुंच चुका है पार्टी हेडक्वार्टर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े पदाधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और अब सीईसी की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। अब ये बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि राज्यसभा की कुछ 55 सीटें हैं जिन पर नामों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मध्य प्रदेश की ही राज्यसभा सीट से चुना जाना बार बार वो कह रहे थे कि अगर मैं जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस भी राजी हो गई थी कि उनको राज्यसभा सीट दी जाए, किसी और राज्य से दी जाए, लेकिन वो किसी और राज्य से जाने को तैयार नहीं थे। उधर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अपनी एक सरकार चल रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उनको प्रदेश अध्यक्ष तक का जिम्मा नहीं दिया गया था। तो आखिरकार सब्र का बांध टूटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमित शाह की गाड़ी में बैठकर एक सफर तय किया, पीएम आवास पर वो गाड़ी रुकी और वहीं से एक रेजिग्नेशन का पन्ना सार्वजनिक हुआ जिसको उन्होंने कल ही टाइप कर दिया था। और उन्होंने जो अभी अभय जी हमें बता रहे थे, ये जेपी नड्डा मुबारकबाद देते हुए, अच्छा उनकी मुस्कान, हाँ आपको भी सर, नहीं उनकी मुस्कान में मुबारकबाद है और फूल देने के अंदाज में स्वागत है, आप समझिए ये वो राजनीतिक बॉडी लैंग्वेज है। आज थोड़ा सा एक फर्क दिखाई पड़ रहा है, अमित शाह अध्यक्ष थे और मोदी जी जब दफ्तर आते थे तो पहले वो उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता बहुत पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पटका, मुझे फिर पटका पहनाते थे, इसमें केवल पटका पहनाया गया है, फूल नहीं दिए गए, गुलदस्ता नहीं दिया गया, एक ही राज्यसभा देनी है, हाथ भी मिला है, हैंडशेक भी किया है। बहरहाल ये देखिए, आज होली मिलन नहीं होगा लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं का मिलन होगा और इस बात को लेकर मिलन होगा कि बताइए अब राज्यसभा में इस कुर्सी पर कौन कौन काबिज होने वाला है, इस नाम को लेकर चर्चा होने वाली है। अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं अभी कुछ देर पहले, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जेपी नड्डा उनके स्वागत की तैयारी में थे, ये हाथ में फूल दिया, फिर ये पटका पहनाया, हाथ मिलाया, एक फूल दिया, हाँ एक फूल, और उसके बाद प्रधानमंत्री ज्योतिरादित्य आए सीसी की बैठक के लिए अंदर दफ्तर में जाते हुए।
और ये देखिए बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं इस फ्रेम में, और शाहनवाज हुसैन वहां पर, नितिन गडकरी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है कुछ 8 लोग दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन है ये लोग? ये महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होती है वो पदेन चुनाव समिति की सदस्य होती है। अच्छा। और बीएल संतोष जी है जो संगठन महामंत्री हैं, थावरचंद गहलोत जी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में हैं, शाहनवाज हुसैन जी चुनाव समिति में हैं, गडकरी चुनाव समिति में, नितिन गडकरी जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, अमित शाह जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, राजनाथ सिंह और राजनाथ जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, और आपके जेपी नड्डा जी को लाया गया था जब अनंत कुमार जी के निधन के बाद जगह खाली हुई थी, तो जेपी नड्डा जी को संसदीय बोर्ड चुनाव समिति में लाया गया था बतौर सचिव, लेकिन अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए वो हैं। और प्रधानमंत्री जी तो इस वक्त जो हैं कुल मिलाकर 8 लोग हैं वहां पर, 8 लोग इस वक्त सीसी की बैठक में, जेपी नड्डा मुस्कुराते हुए कुछ बात कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वही चित्परिचित बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो यहाँ पर अब इस बात को लेकर चर्चा होगी कि वो 55 राज्यसभा की जो पद खाली हुए हैं, सीटें खाली हुई हैं, उसमें किन किन लोगों को बीजेपी की तरफ से भेजा जाए, किन किन 13 तारीख है मेरे ख्याल से नॉमिनेशन की, और यही वजह है कि ये लोग अभी मुलाकात कर रहे हैं। तो इस वक्त आप देखिए एमपी में सियासी संकट दूसरी तरफ है, और इस तरफ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, और इस बैठक में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर चर्चा होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देश का मुद्दा आएगा, उसमें उनके नाम पर सारी बातों पर चर्चा होगी, निश्चित तौर पर नाम का प्रस्ताव भी होगा। घोषणा कब होगी ये निर्भर करेगा कि वो कब पार्टी ज्वाइन करते हैं। चर्चा ही नहीं निर्णय भी लिया जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यदि मध्यप्रदेश से राज्यसभा लाया जाता है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मीटिंग में चर्चा हुई होगी, तो फैसला भी हो जाएगा। नहीं राकेश जी, अब मेरा सवाल ये है, और जिसकी तरफ बार बार अभय जी इशारा कर रहे हैं कि क्या ये जो गिव एंड टेक का पूरा मसौदा तैयार हुआ है ये एक राज्यसभा सीट पर खत्म हो गया होगा? नहीं, मतलब इतना बड़ा सिपाही अगर आ रहा है। रूबिका जी बताना चाहूंगा कि जो पूरा झगड़ा है वो है षड्यंत्र और अहंकार का, तो षड्यंत्र और अहंकार के झगड़े में कांग्रेस में कमलनाथ जी की सरकार अनाथ हो गई। हाँ, ठीक है। क्योंकि षड्यंत्र के शिकार बने ज्योतिराज सिंधिया माननीय दिग्विजय सिंह जी के, वो लगातार आप देखिए जब विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट देते हैं। एक बात कह रहा हूँ, उसके बावजूद ये सरकार को गिराना, उनका अपमान हुआ, उनको सुनिए, राज्यसभा में जाना, केंद्रीय मंत्री बनेंगे नहीं, ये एक तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पिछले सवा साल में इस बात का एहसास हो गया कि कांग्रेस में उनका राजनीतिक भविष्य नहीं है, ठीक है, उन्हें राजनीति में रहना है तो उन्हें कांग्रेस से बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। उनको लगता है कि अब होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन उनको अभी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका राजनीतिक भविष्य बेहतर है। एक काम करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया किस बात पर माने, क्या उनको दिया गया? सिर्फ ये तो दर्द है कि कांग्रेस मुझे नहीं सुन रही है, इस पर आदमी किसी और पार्टी में नहीं चला जाता है। बहुत सी बातों पर चर्चा हुई होगी, बहुत सी ऐसी चीजें उनके सामने पेश की गई होगी जिससे उन्होंने कहा होगा ठीक है मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि 3 अहम बैठकें चल रही है, 2 मध्य प्रदेश में चल रही है, 1 बीजेपी के विधायकों की, 1 कांग्रेस के विधायकों की, और यहां बीजेपी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में सीईसी की बैठक चल रही है, चुनाव समिति की बैठक चल रही है, और इसमें चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बीजेपी की तरफ से वो 55 राज्यसभा सांसद कौन होंगे जिनके नाम पर आज सहमति भी होगी, चर्चा भी होगी, और उसके बाद जो है उन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, और इन नामों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक अभी चल रही है, ये तस्वीर आपको वहीं की दिखाई दे रही है, और उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की बैठक अलग चल रही है और बीजेपी के विधायकों की बैठक अलग चल रही है। पहले ये खबर आई थी कि बीजेपी विधायक दल का नेता जो है शिवराज सिंह चौहान को चुन लिया जाएगा, लेकिन अभी उसके भी किसी तरह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बाकायदा बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि ऐसी कोई यहाँ पर ना तो चर्चा है और ना ही ऐसी कोई प्लानिंग है कि इस बैठक में, विधायक दल की बैठक में हम विधायक दल का नेता चुनेंगे। फिलहाल मेरे साथ 4 खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं,
राकेश जी पहले आप अपनी बात कीजिए, उसके बाद मैं। जैसे अभी बात हो रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेके कि वो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग हुई होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए सौदेबाजी की स्थितियां तब होती हैं जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहल की जाए कि आप हमारी पार्टी में आइए और इन विधायकों को लेके आइए, तो आपके पास सौदेबाजी की गुंजाइश ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ स्थितियां ये हैं कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई की स्थितियां सिंधिया जी के सामने है, उनके पास विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने और उसमें जाने के अलावा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से वो बहुत सारा सौदेबाजी कर पाए होंगे मुझे नहीं लगता है। हाँ। इसलिए राज्यसभा सदस्य के लिए, इसके अलावा यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनके प्रमुख लोगों को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेके ही बातचीत, इनके अलावा कुछ और नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी सौदेबाजी हो पाए। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सिर्फ अपनी इज्जत का सवाल नहीं उठता है, यदि आज 22 लोग उनके पीछे है या 19 लोग उनके पीछे है तो उनको सबसे पहले उनकी भी व्यवस्था करनी होगी कि उनका क्या होगा। वो इस्तीफे देते हैं तो उनके बाद उनको टिकट बीजेपी से मिलना ये अनिवार्य एक कंडीशन होगी। उसके बाद जो मंत्री पुराने थे वो नए मंत्रिमंडल में, यदि बीजेपी के मंत्रिमंडल बनता है तो उनमें बाकायदा वही मंत्रालय मिले या उनको मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाएगा। ये सारी डील होती है। जब नारायण राणे कांग्रेस में आए थे तो सारे 11 के 11 लोगों को फिर से रिपीट कांग्रेस ने टिकट दिया था कांग्रेस के सत्ता पे, और उसमें एक ऐसा टिकट था जिसमें कांग्रेस का जो उम्मीदवार था मात्र 80 वोट से हारा था। नहीं देखिए एक चीज चिमूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में महाराष्ट्र, नहीं देखिए कर्नाटक में भी जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो डील के तहत ही होगा। नहीं टिकट को लेके वो बहुत बड़ी डील होगी। डील का मतलब होता है राजनीतिक, एक होता है नेता, एक होता है नेता जो पार्टी में शामिल हो रहा था, एक होता है लीडर जो बाकी पूरे कुनबे के साथ आपके साथ। देखिए ये इसकी तुलना आप हेमंत बिश्व शर्मा से कीजिए। बीजेपी अगर लाने को तैयार हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो उसका सीमित उद्देश्य केवल मध्य प्रदेश की सरकार गिराना, वहां सरकार बना लेना नहीं है, उनका लंबे समय तक राजनीतिक उपयोग करना है, उसको उनको कल्टीवेट करना है। अब एक सीधा सवाल सुनिए, उनको उनको अपमानित करके रखेगी कि उनके लोगों को। प्रदीप जी, अशोक जी, अभय जी और राकेश जी, आप सबके लिए सीधा सवाल, क्या अगर बीजेपी की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में कैन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी द सीएम, क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? किसी भी हालत में नहीं, किसी भी हालत में नहीं। मुझे मुझे इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। यदि कल ये स्थिति आ जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा मेरे लिए। हाँ। नहीं किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में बिल्कुल इसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं। वो तो कुछ भी सकता है लेकिन वैसे इसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी पहले से मौजूद एक तपे तपाए स्थापित नेता को, जिसको नरेंद्र मोदी की लालजी टंडन की तस्वीर आ गई सर, लालजी टंडन की तस्वीर लखनऊ में इस वक्त मौजूद है छुट्टियों के लिए, वो छुट्टी पर थे, मध्य प्रदेश से पहुंचे वो अपने गृह क्षेत्र, राज्यपाल लालजी टंडन इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप छुट्टी जो 5-6 दिन की थी उसको कम कर दिया गया है, अब 12 तारीख को यानी आज से ठीक 2 दिन बाद लालजी टंडन पहुंच जाएंगे मध्य प्रदेश, और वहां पर ये जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसको किसी तरीके से आगे की दिशा जो है वो देंगे। ब्रजेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर देते हैं। ब्रजेश, छुट्टी कैंसिल हो गई है, सरकार की भी ये जो लॉन्ग लाइफ थी वो भी छोटी होती हुई दिखाई दे रही है। उधर भाईचारा बीजेपी के विधायकों का कांग्रेस के उन विधायकों से जो रेजिग्नेशन दे चुके हैं वो दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसी होली तो हमने शायद ही कभी देखी होगी ब्रजेश। सही कहा आपने रुबिका, होली गजब है कि रंग में भंग कहें तो कमलनाथ सरकार की रंग में भंग पड़ गया है, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने होली के साथ दिवाली मना ली, होली कम मनाई दिवाली ज्यादा हुई है, खूब फटाके फोड़ गए हैं बीजेपी के लोगों ने। बड़ी बात है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे लेके बीजेपी के नेता गवर्नर जो अपने विधानसभा अध्यक्ष उनके पास पहुंच रहे हैं, एक गजब का भाईचारा शुरू हो गया है। जो पीछे मैं यहां सीएम हाउस में खड़ा हूं, मेरे पीछे बैठक चल रही है कांग्रेस विधायक दल की, उसमें ये रणनीति बनाई जा रही कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सरकार जो अल्पमत में आ रही है उसको कैसे लंबा वक्त मिल जाए, क्या इसके लिए जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो इस्तीफे स्वीकार करें या एक एक विधायक को बुला के उससे बात करें तो इसमें लंबा वक्त खींचा जाए। दूसरी बात यह है कि कैसा ऐसा कुछ खेल किया जाए जिससे कि ये पूरी विधानसभा भंग हो जाए, बीजेपी को सरकार बनाने का मौका ना मिले। तो कुल मिला के बहुत सारी चीजों पर बात चल रही है, और पर होगा क्या ये अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है। जो पीछे विधायक दल की बैठक चल रही है सीएम हाउस में, उसमें तकरीबन
80 से 90 विधायक जो उनके पास अब बचे हुए हैं तकरीबन सभी पहुंच गए हैं और सभी इस बात पर चिंतित हैं कि कैसे इतना बड़ा झटका पार्टी को लगा है और पूरी इंटेलिजेंस फेलियर हो गई और कुछ लोग इसके लिए जो आला कमान है उन पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं तो कुछ लोग जो है इस मामले में कमलनाथ पे सवाल उठा रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा हो गया आप कुछ कर नहीं पाए। अपने वरिष्ठ हमारे जो अच्छा ये अपने में बता दो ये राजस्थान का और मध्य प्रदेश का बड़ा पसंदीदा है अपन चाहेंगे अपन, तो क्यों नहीं होगा अपन। देखिए मध्य प्रदेश में सियासी हलचल हो रही है लेकिन हम यहाँ पर साउथ इंडियन खाने की भी बीच में चर्चा कर रहे हैं। विधायक कर्नाटक नहीं हाँ हाँ क्योंकि सारे विधायक जो है वो कर्नाटक में मौजूद है लेकिन बड़ी खबर क्या है सिंधिया आज बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। एमपी की सियासी हलचल पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जरा उनका रुख करते हैं। तो सिंधिया आज अगर शामिल नहीं होंगे तो फिर कब शामिल होंगे विकास? ऐसा बताया जा रहा है बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं कि एक दो दिन का वक्त लगेगा। चुनाव समिति की बैठक है और उसके अलावा मध्य प्रदेश में काफी सियासी हलचल है और इसी वजह से पार्टी नेतृत्व ने और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह तय किया कि जब तक उनके खेमे के सभी विधायक अपना रेजिग्नेशन टेंडर नहीं कर देते हैं वे औपचारिक रूप से बीजेपी में नहीं शामिल होंगे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भी चाहते हैं कि जब बीजेपी में शामिल हों तो उनकी एंट्री ग्रांड हो और उसी की तैयारियों के मद्देनजर एक दो दिन इस कार्यक्रम को टाला गया है। संभवतः कल या ग्रैंड एंट्री क्या हो सकती थी कि पीएम खुद मौजूद हो वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के मौजूद हो जेपी नड्डा मौजूद हो आज जब नहीं हुई तो फिर कब और टाइम कहां है? देखिए 13 तारीख को तो नॉमिनेशन फाइल करना होगा उनको राज्यसभा का। जी हां बिल्कुल 13 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करना है उनको और उससे पहले ये तय हो जाएगा कि वे कब शामिल होंगे। दिल्ली में ही ग्रैंड एंट्री करेंगे या भोपाल में करेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेरी इच्छा ये भी है जब वो नॉमिनेशन फाइल करें तो वहां पर कमलनाथ की सरकार ना हो और ये उनके दिल के बेहद करीब की बात है कि जब वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने जाए तो उस समय वहां पर कमलनाथ मुख्यमंत्री ना हो। जाहिर तौर पर जिस तरह का व्यवहार उनके साथ कमलनाथ दिग्विजय सिंह की घुटने और सरकार ने पिछले एक साल में किया है उसी से बेहद ज्यादा उनको ठेस पहुंची है और इसी वजह से शायद ज्योतिरादित्य चाहते हैं कि जब वो नॉमिनेशन फाइल करने जाए तो कमलनाथ की सरकार वहां पर नहीं हो और इसी के मद्देनजर अभी तक 22 कुल मिला के कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। अब बीजेपी के नेतृत्व राज्यपाल को मिलकर ये बताएगा उसके लिए भी बैठक हो रही है ये तय किया जाएगा ये कार्यक्रम कब राज्यपाल के पास जाना है और इस बात को ये की सूचना देना है कि जो कमलनाथ की सरकार है वो अल्पमत में है और इसलिए राज्यपाल अब जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाएं ताकि फ्लोर टेस्ट हो और ये तय हो सके कि आखिर बहुमत है किसके पास। ये तो रही एमपी की राजनीति की बात। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ विकास कि क्या ये जो सीईसी की बैठक के बाद नामों के ऐलान होंगे कि राज्यसभा के लिए ये ऐसा होगा ना प्रदीप जी नामों के ऐलान तो होंगे ना? नामों के ऐलान सहमति तो मध्य प्रदेश के नाम का ऐलान नहीं हो सकता है या ये कहा जा सकता है अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया विकास यही सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश को अलग रखा जाएगा ये सीईसी की बैठक के बाद आ रही है वो यही आ रही है कि मध्य प्रदेश के नामों को अब एक दिन होल्ड किया जाएगा और संभवतया कल शाम तक या परसों सुबह उसका अनाउंसमेंट होगा और क्योंकि आज 10 तारीख है 12 तारीख तक भी अगर अनाउंसमेंट होता है तो 13 तारीख पर्चा दाखिली की आखिरी तारीख है और ऐसी सूरत में परसों 13 तारीख को भी नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है। विकास बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हो सकता है सीसी की इस बैठक में मध्य प्रदेश के उन तीन नाम दो नामों पर क्योंकि दो सीटों पर चुनाव लड़ने के तीन सीटें हैं राज्यसभा की एक तो कांग्रेस के खाते में जानी है लेकिन दो सीटों पर यहां चुनाव लड़ सकती है बीजेपी और ऐसे में उन नामों का चर्चा जरूर हो सकता है लेकिन ऐलान नहीं होगा। मध्य प्रदेश को इससे चर्चा भी होगा फैसला भी होगा लेकिन ऐलान नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान बैठक में पहुंच गए हैं उधर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बीजेपी विधायकों की बैठक शुरू होने वाली है क्योंकि विधायकों का आना अब वहां पर शुरू हो गया है। कुछ बीजेपी सांसद भी बैठक में मौजूद है दिल्ली बीजेपी दफ्तर में। उधर सीईसी की बैठक चल रही है इधर भोपाल में बीजेपी विधायकों की बैठक जो है वो भी शुरू होने वाली है। शिवराज सिंह चौहान बैठक में पहुंच चुके हैं। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज
प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।